वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। जितने स्टूडेंट्स बीए फॉरेन लैंग्वेज का इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएनयू का, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड प्राइजेज। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कवरअप हो जाए। तो जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके फॉर्म भर दीजिए। टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च होगा, लाइव होगा, हम आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल अवार्ड एंड प्राइजेज। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ऑस्कर्स। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ऑस्कर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आपका जो नोबेल प्राइज़ मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, भारत रत्न डिस्कस करेंगे, और एक होता है रमन मगसेसे अवार्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑस्कर्स में जो ऑस्कर्स का ऑफिशियल नाम है उसको एकेडमी अवार्ड बोला जाता है, और इस साल जो एकेडमी अवार्ड हुआ था वो 92nd एकेडमी अवार्ड हुआ था। तो उसमें या तो आपसे ये पूछ दिया जा सकता है कि वो कौन सा सीरीज ऑफ अवार्ड था, तो उसमें आपको 92nd लिखना है, या फिर ये पूछ दिया जाए कि अगर ये पूछा जाए कि आपसे कि ऑस्कर का ऑफिशियल नेम क्या है, तो आपको एकेडमी अवार्ड लिखना है। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जो पहला अवार्ड था वो है बेस्ट पिक्चर अवार्ड। तो बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था पैरासाइट को। पैरासाइट एक साउथ कोरियन मूवी है, ये इंग्लिश में ये मूवी बनी थी और इसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था। दूसरा आता है बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था जैक्विन फोनिक्स को, और मूवी का नाम था जोकर। तो अब आते हैं, नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है ये जोकर मूवी के लिए नहीं मिला था, ये दूसरी मूवी के लिए मिला था, मूवी का नाम है जूडी। तो देखिए, आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि एक्ट्रेस का नाम क्या है, या आपसे ये पूछ दिया जाता है कि किस फिल्म के एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था ऑस्कर्स में, तो आपको दोनों याद रख देना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मूवी का नाम है जूडी, और जो एक्ट्रेस है जिसको बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड मिला था उनका नाम है रेनी जेलवेगर। तो आपको इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना है। फिर दूसरा है बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है बोंग जॉन हो को मिला था, और ये मिला था पैरासाइट के लिए। तो आपको वो भी याद रखना है, मूवी का नाम है पैरासाइट। और अब आता है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। तो ऑस्कर को दो दो अवार्ड मिल, पैरासाइट को दो अवार्ड मिल गया, बेस्ट पिक्चर के लिए और बेस्ट डायरेक्टर के लिए। अब आता है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म जिस मूवी को अवार्ड मिला था उसका नाम है टॉय स्टोरी 4। तो मैक्सिमम आप लोगों को पता भी होगा टॉय स्टोरी के बारे में, तो इसको बेस्ट एनिमेटेड अवार्ड फीचर अवार्ड मिला था। अब जो है लास्ट देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था ब्रैड पिट को, और ब्रैड पिट जिस मूवी में उन्होंने एक्टिंग की थी उस मूवी का नाम था वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इसमें आपके लियोनार्डो डी कैप्रियो भी नॉमिनेटेड थे और ब्रैड पिट भी नॉमिनेटेड थे, और दोनों ने ही काम किया था वंस अपॉन ए टाइम हॉलीवुड में। तो ये मूवी भी आपको याद रखना है, जिसमें ये आपसे पूछ जा सकता है कि ब्रैड पिट को किस मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था, तो इसमें आपको लगाना है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। तो अगर एकेडमी अवार्ड या नोवल या आपका ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो यही इम्पॉर्टेंट है, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज़। जो नोबेल प्राइज़ होता है वो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, और अक्सर इससे भी सवाल आते रहते हैं। इस साल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
इस साल एक इंडियन है, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, जिन्होंने अपने इनिशियल डेज की पढ़ाई JNU से की थी और फिर उन्होंने मास्टर्स किया था, MA इकोनॉमिक्स किया था JNU से। उसके बाद वो हार्वर्ड चले गए थे अपनी PhD के लिए, तो उनको मिला इस साल नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। तो उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। और दूसरा उन्हीं के साथ जो दूसरे पर्सन थे जिनको अवार्ड मिला वो हैं एस्थर डल्फो। एस्थर डल्फो इनकी वाइफ भी है और ये पहले इनकी PhD स्टूडेंट भी रह चुकी है। तो आप ये समझ लीजिए कि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को ये अवार्ड मिला। तीसरे पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला उनका नाम है मिशेल क्रेमर। तो इस बार का जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है ये तीन लोगों को मिला है। ये तीनों आपको याद रखना है। तो या तो तीनों के बारे में पूछा जा सकता है या किसी एक के बारे में। अभिजीत बनर्जी के बारे में पूछने का ज़्यादा चांस है। अब हम लोग दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो एक तो देखिए, एक तो आपको ये याद रखना है कि किस किस को कौन सा अवार्ड मिला 2019 में। जो दूसरा जिसपे कि क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि आपको कैटेगरी दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो आज जो हम लोग सारे नोबेल प्राइज का पार्ट बताएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नोबेल प्राइज किस किस कैटेगरी में दिया जाता है और उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन दोनों को एक साथ मिला के दिया जाता है। तो इस साल भी तीन लोगों को मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया। पहले हैं आपके विलियम जी केलिन। दूसरे हैं आपके पीटर जी रेडक्लिफ, तो आपको ये भी याद रखना है। और तीसरे हैं आपके जॉर्ज एल सिमनेजर, तो आपको ये तीनों याद रखना है, विलियम जी केलिन, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सिमनेजर, तो आपको ये तीनों याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में भी तीन लोगों को दिया गया है। और आपको बता दूं कि जो पहला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था ये मैडम क्यूरी को दिया गया था। तो इससे भी और हम लोगों ने जो फ्रांस के बारे में स्टडी किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मैडम क्यूरी जो है फ्रांस की हैं, फ्रांस की रहने वाली थी एंड सी इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज एंड ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज इस बार दिया गया वो हैं, पहले पर्सन है जेम्स पेबल, दूसरे हैं माइकल मेयर और तीसरे पर्सन हैं डैडियर क्विलोज। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, जेम्स पेबल, माइकल मेयर और डैडियर क्विलोज, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अब जो दूसरा कैटेगरी है जो हम लोग देखेंगे वो है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी इस बार तीन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। जो पहले हैं वो हैं आपके जॉन गुडेनफ। तो मैं आपको इसके साथ ही बता दूं कि मैडम क्यूरी जो थी उनको केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला है। तो सी इज वन द ओनली वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उससे भी अगर सवाल आ जाता है तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने फिजिक्स फ्रांस वाला वीडियो देखा होगा तो उससे आपको एक रिविजन काइंड ऑफ हो जाएगा। तो जो पहले पोर्शन है जिनको केमिस्ट्री में इस साल नोबेल प्राइज मिला वो है फर्स्ट पोर्शन टू रिसीव इज जॉन गुडेनफ, दूसरे पोर्शन है स्टैनली विटिंगम और तीसरे पोर्शन है अकायरा योशिमा आपके जापानीज हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपके तीसरे इसके बाद जो कैटेगरी आता है वो है लिटरेचर। तो लिटरेचर में भी इस बार दो लोगों को प्राइज दिया गया था। तो देखिए अगर क्वेश्चन यूजुअली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको या मान लीजिए केमिस्ट्री में या फिजिक्स में किस चीज़ के लिए दिया गया था, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री में जो प्राइज़ दिया गया था ये आपका जो मोबाइल में लिथियम बैटरी यूज़ होता है
तो उस लिथियम बैटरी के लिए दिया गया था। इसके बाद देखते हैं लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो इस साल दो लोगों को दिया गया, जो पहले पर्सन है वह है ओलागा टरकुच, तो जो दूसरे पर्सन है वह है पीटर हैंडके। तो इन दोनों को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वह है नोबेल पीस प्राइज। और नोबेल पीस प्राइज बहुत ही फेमस होता है। इसमें जो कुछ कुछ रिसिपिएंट हैं, जैसे कि आपके बराक ओबामा, इनको भी नोबेल प्राइज इन पीस दिया गया था। इसके बाद जो आपके इंडियन हैं, जो कैलाश सत्यार्थी जो चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं, उनको भी रिसेंटली नोबेल प्राइज इन पीस दिया गया था। तो इस साल का जो नोबेल प्राइज पीस दिया गया है, ये इथोपियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जो करेंट इथोपियन प्राइम मिनिस्टर है उनको दिया गया है। इनका नाम है अबे अली अहमद। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी सवाल आ सकता है कि इस साल के नोबेल पीस प्राइज किनको दिया गया है। अब आते हैं बुकर प्राइज पे। तो बुकर प्राइज जो है आपका लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इसमें यूजुअली जो है जितने आपके नोवलिस्ट होते हैं तो उनको दिया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम है कि इस बार बुकर प्राइज दो लोगों को दिया गया है। आज से पहले जो सारे बुकर प्राइज दिए जाते थे वो हर एक साल किसी एक ऑथर को ही दिया जाता था, लेकिन इस साल दो प्राइज दिया गया है, दो सेपरेट ऑथर्स को दिया गया है। और जो पहले हैं वो हैं मार्गरेट एटवुड, और उनको जो उन्होंने जो बुक लिखा है द टेस्टामेंट्स, उसके लिए उनको बुकर प्राइज दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि बुकर प्राइज से पहले इसका नाम मैन बुकर प्राइज था, लेकिन फाइनली अब मैन को हटा दिया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ मेल को ही ये बुकर प्राइज दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद मेल फीमेल दोनों को देने जाने लगा, इसलिए मैन का नाम हटा दिया गया। जो दूसरे पर्सन हैं जिनको बुकर प्राइज मिला वह बेरान्ड्रीन एवस्टियो। तो और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है गर्ल वुमेन एंड अदर्स। तो आपको दोनों बुक का भी नाम याद रखना है द टेस्टामेंट्स, और दूसरे बुक का नाम है गर्ल वुमेन एंड अदर्स। तो आपको दोनों चीज याद रखना है। अब आते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है वो है रोमन मैगसेसे अवार्ड। रोमन मैगसेसे अवार्ड वेरियस कैटेगरीज में दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्विस, जर्नलिज्म, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। और इसमें सम ऑफ द जो लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, जो फेमस लोग हैं उसमें, जैसे कि आप जानते हैं किरण बेदी, जो आपकी अभी करेंटली पुडुचेरी की जो गवर्नर है, जो फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, उनको दिया गया था। और आपके जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल, तो उनको भी ये अवार्ड दिया गया था। तो इस साल का जो जर्नलिज्म अवार्ड है रोमन मैगसेसे अवार्ड, ये एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं मिस्टर रवीश कुमार, तो उनको दिया गया था। तो आपको ये नाम याद रखना है, रवीश कुमार को मैगसेसे अवार्ड मिला था 2019 जर्नलिज्म के कैटेगरी में। दूसरा आते हैं भारत रत्न अवार्ड। तो 2019 का भारत रत्न अवार्ड तीन लोगों को दिया गया था, जिसमें कि एक तो अभी जीवित हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद दो और लोगों को मरणोपरांत यानी लेट भूपेंद्र हजारिका, इनको दिया गया था, जो कि आपके असम के हैं। और जो दूसरे पर्सन हैं जिनको दिया गया है वो है सोशल एक्टिविस्ट हैं नानाजी देशमुख। तो इन दोनों को, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि तीन लोग जिनको नोबेल भारत रत्न दिया गया था 2019 में, एक हैं आपके प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं भूपेन हजारिका, और तीसरे हैं नानाजी देशमुख। इसके बाद जो लास्ट हम लोग देखेंगे जिससे कि सवाल आ सकता है, वो इंटरनेशनल जो आप लोग जानते हैं ब्यूटी या पीजेंट अवार्ड होता है। तो पहला देखेंगे मिस वर्ल्ड, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2019 का जो मिस वर्ल्ड अवार्ड दिया गया था ये एक जमाइकन लड़की को मिला था जिनका ओरिजिन इंडियन है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इनका नाम है टोनी एन सिंह, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इनको मिस वर्ल्ड अवार्ड मिला था, इनका हिस्ट्री इंडिया से रिलेटेड है,
और ये अभी करेंटली जमैका की सिटीजन है, तो ये जमैकन है। जो दूसरा अवार्ड है वो है मिस यूनिवर्स अवार्ड। तो मिस यूनिवर्स अवार्ड जो है, जो एक साउथ अफ्रीकन लड़की को मिला, उनका नाम है जोबिनी तुंजी, जोबिनी तुंजी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं जिसको आपको याद रखना है, और हो सकता है कि इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, और ये साउथ अफ्रीका की है। तो देखो आपको दोनों याद रखना है, जमैका जो मिस वर्ल्ड है वो जमैका की है, और जो मिस यूनिवर्स है ये साउथ अफ्रीका की है। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, और इससे बाहर नहीं आना चाहिए। और मैं बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप रजिस्टर कर लें। आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8448878849। तो आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। थैंक यू।